हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब लोग? तो चलो, अभी आज हम लोग आपकी हिंदी की किताब से, यानी कि जो रिमझिम की जो बुक है आपकी, क्लास 3rd के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आप लोगों की बात कर रहा हूँ। जो क्लास 3rd के जो बच्चे हैं उनकी हिंदी की जो किताब है रिमझिम, तो रिमझिम से आज मैं कविता पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। और ये जो कविता होने वाली है बड़े ही मजेदार होने वाली है भाई। क्यों? क्योंकि इस कविता में मैं आप लोगों की बात करने वाला हूं। और हाँ, किस तरह से बड़े लोग आप लोगों को कितना परेशान करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। सब ये कहते हैं कि भी छोटे बच्चे बड़े बच्चों को परेशान करते हैं या फिर बड़े लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि भी ये बड़े लोग जो हैं बच्चों को परेशान करके रखे हैं। कैसे परेशान करके रखा है इस कविता में पढ़ते हैं, फिर हमें पता लगेगा भाई ये परेशानी कैसे हो रही है छोटे बच्चों को। और सब लोग उनको ही बोलते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, वैसा करना चाहिए, ये करो, वो करो, दुनिया भर का काम। तो चलो भाई, अब मैं आप लोगों की बात को सबके सामने रखूंगा कविता के माध्यम से। तो क्लास 3rd के जो बच्चे हैं उनकी एनसीईआरटी किताब रिमझिम से ये कविता है, हमसे सब कहते। क्या नाम है कविता का? हमसे सब कहते, यानी कि आप लोगों से सब लोग क्या है कहते हैं। ये देखो, ये है हेडिंग हमारी इस कविता की, कि हमसे सब कहते। किससे? आप लोगों से भाई, सब लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो पढ़ते हैं। नहीं सूरज से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ। भाई सूरज जो है, ठीक है, जो रोज सुबह सुबह आता है, उससे तो कोई भी नहीं कहता कि भी धूप यहां पर फैलाओ या मत फैलाओ, कोई नहीं बोलता सूरज से। नहीं सूरज से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। यानी कि सूरज जो दिन में सुबह सुबह जो आता है और बहुत सारी रोशनी और गर्मी जो फैला के जाता है सूरज, ये देखो भाई इतनी गर्मी फैलाता है जो सूरज, उससे तो कोई नहीं कहता कि भाई यहाँ पे धूप मत फैलाओ। ठीक है, इससे तो कोई कोई भी नहीं कहता कि भाई धूप मत फैलाओ। किससे? सूरज से। और हाँ, चांद से भी कोई नहीं कहता कि भाई तुम यहां से जो तुमने रात को जो चांदनी फैला रखी है, क्या फैला रखी है? चांदनी फैला रखी है, दो चांद ऐसा होता है ना, और फिर रात को जो चांदनी फैलाता है, तो चांदनी जो फैला रखी है इसके बारे में तो चांद को कोई भी नहीं बोलता कि भाई अपनी चांदनी को उठाओ और लेके जाओ। ना ही सूरज से कोई बोलता है कि भाई अपना ये जो तुम लोगों ने ये क्या कर रखा है, जो धूप फैला रखा है, सूरज को बोलते हैं कि धूप को। सूरज को तो कोई भी नहीं बोलता कि अपना जो धूप लेके आए हो, इतनी गर्मी लेके आते हो, उसको लेके जाओ, कोई भी नहीं कहता। और चांद से भी भाई कोई भी नहीं बोलता कि भी अपनी चांदनी लेके जाओ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार मेरे साथ पढ़ो। ठीक है, नहीं सूरज से कहता कोई, बोलो बोलो, नहीं सूरज से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ, धूप यहां पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी ले जाओ, उठा चांदनी को ले जाओ। ना सूरज से ना चांद से कोई भी नहीं कहता कि भी अपनी चांदनी लेके जाओ चांद, या सूरज को धूप ले जाओ सूरज अपनी, कोई भी नहीं कहता। लेकिन भाई क्या करें, छोटे बच्चों को तो सब लोगों ने परेशान कर दिया है। कैसे? चलो अभी पढ़ते हैं, पता लगेगा। ठीक है, देखो अभी अभी पढ़ने वाले, तो ये वाला पढ़ने समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे है, देखो आगे बोला जा रहा है, कोई नहीं हवा से कहता, कोई नहीं, ये देखो ये रहा, हाँ यहां पे देखो, कोई नहीं हवा से कहता, कोई भी हवा से भी नहीं कहता। पहले किसकी बात हो रही थी? पहले तो बात हुई सूरज की बात हुई, ठीक है, सूरज की बात हुई थी पहले, ठीक है, और उसके बाद किसकी बात हुई? चांद की बात हुई। ठीक है, ना सूरज से कोई कहता ना कोई यानी कि जो सूरज था, सूरज से भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। ठीक है, और ये भाई सूरज बन गया मेरा।
और कोई भी चांद से भी नहीं कह रहा था कि भाई अपनी जो चांदनी लेके जाओ। और अब आपसे बोला जा रहा है कि भी आगे क्या बोला जा रहा है, कोई नहीं हवा से कहता, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई। यानी कि पहले तो हवा से बात की जा रही है कि कोई भी ना सूरज को कुछ बोलता ना चांद को कुछ बोलता है और ना ही हवा को कुछ बोलता कि भाई तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गई, क्यों आंधी तूफान मचा के रखा हुआ है। किसको नहीं बोलते हम लोग, हवा को नहीं बोलते कि कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए। कहाँ आए, अंदर, किसके अंदर, घर के अंदर, ये बात बोली जा रही है। बादल से कहता न कब कोई, बादल से कहता कोई क्यों जलधार यहां बरसाई। जलधार का मतलब है जो पानी की जो बाढ़ आ जाती है ना, बहुत सारी पानी, उसकी बात की जा रही है कि बादल से कहता कब कोई, कि बादल से कौन कहता है कि भाई क्यों जलधार यहां बरसाई। जलधार का मतलब है कि भी जो बारिश करते हो ना, इतनी सारी बारिश करते हो, बादल को तो कोई नहीं बोलता कि भाई इतनी सारी जो जलधारा यानी कि जो पानी जो बरसाते हो उसके लिए तो बादल को कोई नहीं कहता कि भाई हर जगह रास्ते में पानी भर देता है, स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, खेलने के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। या फिर कोई हवा से भी नहीं कहता कि भाई तूफान लेके आ जाते हो, हमारे घर में आंधी तूफान मचा देते हो, कोई नहीं कहता। लेकिन भाई बच्चे से तो सब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो देखते हैं भाई क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, सबसे पहले हमने सूरज की बात करी, फिर हमने चांद की बात करी। भाई किसकी, चांद की बात करी। ये देखो पहले हमने किसकी बात करी, सूरज की बात करी थी, और सूरज के बाद हमने किसकी बात करी, चांद की बात करी थी, ठीक है। और चांद के बाद हमने बात किसकी करी, हवा की बात करी। भाई ये देखो किसकी बात करी हमने, हवा की बात करी कि हवा को भी कोई कुछ नहीं कहता कि भाई अंदर आ गए घर के, और तो और बादल से भी कोई नहीं कहता। कौन बोल रहा है, ये जो बच्चा है आपस में ही लोग बातचीत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि भी कोई भी इनको कुछ नहीं कहता कि भी ना सूरज को ना चांद को ना बादल को ना हवा को। लेकिन भैया अब आगे सुनो क्या होता है, आगे पढ़ो बेटा क्या लिखा है, ट्राई करो, कोशिश करो सब लोग। तो आगे लिखा है, फिर कोई हमसे भैया कहते, फिर क्यों, फिर कोई भी मतलब कोई भी लोग जो होते हैं, कोई हम लोगों से क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक लाइन लिखी गई है आप लोगों के लिए, फिर कोई की जगह यहाँ पे क्या, फिर क्यों हमसे भैया कहते, फिर क्यों हमसे भैया कहते। यानी कि मान लो आप क्या हो, छोटे हो ठीक है, और आपके जो भैया दीदी है वो बड़े हैं। अरे कह रहोगे सर हमारी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों बना रहे हो। भाई सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जो आपके भैया यानी कि जो बड़े भैया हैं या बड़ी दीदी हैं, वो आपसे क्या बोलते हैं, ऐसा करो वैसा करो बोलते हैं ना। अब बेचारे आप लोग चुपचाप बात माननी पड़ती है, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, होता है ना सर। तो यहाँ बोला जा रहा है फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ, क्या बोलते हैं भैया, यहाँ ना आओ भागो जाओ। यानी कि जो भैया होते हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं आपके भैया, बड़े भैया या भैया की जगह मान लो दीदी भी है, ठीक है, यानी कि जो बड़े भाई बहन है, वो जो बड़े भाई बहन आपके घर में है, वो आपसे नहीं कई बार बोलते ना कि भाई यहां से क्या करो, भागो यहां से, क्या बोलते हैं, भाग जाओ यहां से, क्या बोलते हैं, हैं? और क्यों बोलते हैं, यहां मत आना, यहां मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे परेशान मत करना। कौन बोलता है, आपके भैया बोलते हैं। और ये देख लो भाई भैया लिखते कैसे हैं, कुछ बच्चे लिखने में गलती कर सकते हैं, भैया कैसे लिखा जाता है, तो देख लो मैंने भैया लिख दिया इधर देख करके, तो इसे देख लो सीख लो कैसे भैया लिखा जाना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अम्मा कहती है, अम्मा यानी कि आपकी जो मम्मी है, अम्मा का मतलब यह मम्मी है, ठीक है, अम्मा मम्मी कैसे लिखेंगे, लो भाई मम्मी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मम्मी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और मम्मी की जगह कुछ सही तरीका पता है क्या है हिंदी में लिखने का, मम्मी नहीं लिखना चाहिए हमें, क्या बोलना चाहिए, हमें तो भाई माँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, माँ बोलना चाहिए। लेकिन भाई हम लोग तो भाई मॉडर्न बच्चे हो गए, मम्मी बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, माँ शब्द का तो उच्चारण ही छोड़ दिया। तो भाई आज क्या करना है, सबको अपनी मम्मी को क्या बोलना है, माँ बोलना है, क्या बोलोगे, माँ बोलोगे, क्योंकि हिंदी में सही शब्द जो है वो माँ है, क्या है, माँ। तो माँ बोलना अपनी मम्मी को, वैसे तो अम्मी भी बोल सकते हो,
कुछ लोग मी भी बोल के चला लेते हैं, कुछ लोग काम, कुछ लोग मदर भी बोलते हैं, कुछ लोग मम्मी बोलते हैं, और भी भाई आप लोग क्या क्या बोलते हैं भाई मुझे भी जरूर बताना भाई कमेंट करके कि आप लोग प्यार से अपनी मम्मी से जब बातचीत कहते हो तो क्या बोलते हो। ठीक है, तो देखो भी आप पढ़ लेते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। अम्मा कहती है घर भर में, अम्मा कहती है घर भर में, घर भर में यानी पूरे घर में यही बोलती रहती है मम्मी। क्या बोलती पता है, खेल खिलौने मत फैलाओ, क्या मत करो, खेल खिलौने मत फैलाओ, यानी कि आप लोग जो छोटे बच्चे हो अपने खिलौने को लेके जो खेलते हो सामान फैलाते हो आप लोग, तो आपकी मम्मी भी कई बार बोलती है कि कितना गंदगी मचा रखा है, जब देखो हमें सफाई करनी पड़ती है, और ये बच्चे कहना ही नहीं मानते, ये बच्चे क्या करते हैं कहना नहीं मानते हैं, तो बोलते हैं ये जो खेल खिलौने ना खिलौने फैला रखे आप लोगों ने तो खिलौने को हटाओ। कौन बोलती है, मम्मी बोलती है, क्यों, ताकि घर की सफाई रहे, गंदा जो घर कर देते हो ना आप खेल के, मिट्टी पत्थर और पता नहीं क्या क्या ले आते छोटे बच्चे, तो उनको मम्मी बोलती है, क्या बोलती है मम्मी, मम्मी या फिर अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, क्या मत फैलाओ, खेल खिलौने। और भाई देखो भाई अब पापा की बारी आ गई, पापा क्या बोलते हैं उसके बारे में सुनते हैं। पापा कहते हैं, पापा कहते हैं बाहर खेलो, पापा क्या कहते हैं, अरे भाई घर के अंदर मत खेलो, बाहर खेलो भाई, गंदगी घर में मत फैलाओ, कहाँ फैलानी है, बाहर फैलाओ, ताकि बाहर हम सफाई कर लें, घर को गंदा मत करो। कौन बोलता है ऐसा, पापा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, खबरदार जो अंदर आए, क्या बोलते हैं, खबरदार, खबरदार अगर अंदर आ गए, अगर ये गंदे हाथ करके गंदे पैर करके, कौन बोलते हैं, पापा कहते हैं, जो भी खेलना है बाहर खेलो, पापा क्या कहते हैं, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, क्या कहते हैं, खबरदार जो अंदर आए। और आगे देखो क्या बोला जाता है, हम पर ही सबका बस चलता, बस का मतलब वो बस नहीं भाई, बस का मतलब यहाँ पे मनमर्जी, बस का मतलब यहाँ पे क्या, कि भाई मनमर्जी किसके ऊपर चलती है, छोटे बच्चे के ऊपर सब लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं भाई, क्या चलाते हैं, मनमर्जी चलाते हैं छोटे बच्चे के ऊपर, सब अपनी धोस जमाते हैं, कौन, बड़े लोग, क्या बोलते हैं सब लोग कि भाई अंदर मत खेलो, बाहर जाओ, खबरदार जो अंदर आए, खेल खिलौने मत फैलाओ, तो भैया कहते हैं बाहर जाओ, भागो यहां से, भागो जाओ, कुछ इस तरह से बोलते हैं, सब क्या करते हैं, सब पर ही हम पर ही, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हम पर ही, क्या बोला जा रहा है, हम पर ही सबका बस चलता, हम पर ही बस चलने का मतलब यहाँ पे क्या है, मनमर्जी चलाते हैं सब लोग, किस पे, हम पर ही चलाते हैं सब लोग, हम पर ही सबका बस चलता, जब चाहे वो डांट बताते हैं, सब लोग क्या करते हैं, डांट देते हैं, क्या करते हैं, डांट देते हैं और बताते हैं हमें, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो, कौन, बड़े लोग, भैया दीदी मम्मी पापा दादा दादी, जो भी घर में बड़े हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपके, आप जो करते हो खेल खिलौने जो गंदगी फैलाते हो डांट लगा देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जाओ बाहर खेलो, अंदर गंदगी मत फैलाओ, ऐसा ऐसा बोलते हैं, कौन, आपके भैया दीदी मम्मी पापा, यानी कि बड़े की बात करे की जा रही, जैसे यहां बोला जा रहा है हम पर ही सबका बस चलता है, इसे मिटा देता हूं फिर ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, हाँ, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए, डांट बताए का मतलब है कि जब कुछ भी गुस्सा आता है बड़े लोगों को तो वो लोग क्या करते हैं आपको, डांट लगा देते हैं, और डांट लगा के कुछ बात बताते हैं, खबरदार अंदर आए तो अंदर मत आना, गंदे हाथ दे जाओ, पहले हाथ मुंह धो करके आओ, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे बोलते हैं, खबरदार जो ये गंदगी फैलाई यहाँ पे, पत्ते वत्ते तोड़ के लाते हो, बोलते ना ऐसे, तो सब लोग किस, सबका, सब लोग जो अपनी बस चलाते हैं, बस चलाने का मतलब है मनमर्जी जो चलाते हैं, किसके ऊपर, हम पर का मतलब यहाँ पे क्या है, बच्चों पर, हम पर का मतलब यहाँ पे क्या है, किसकी बात की जा रही है, बच्चों की बात की जा रही है भाई, किसकी, बच्चों की बात की जा रही है, हम पर यहाँ पे मतलब क्या है, बच्चों की बात की जा रही है, तो एक बार और पढ़ते हैं, फिर क्यों हमसे, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ, फिर क्यों भैया हमसे कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ, मम्मी कहती है घर भर में, मम्मी कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ, खेल खिलौने मत फैलाओ, कौन कहती है, मम्मी कहती है,
और पापा कहते हैं भाई, पापा क्या कहते हैं देखो भाई, क्या कहते हैं पापा? पापा कहते हैं, पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते हैं बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। क्या बोल रहे हैं? खबरदार अगर अंदर आ गए तो। और बेटा क्या होता है फिर? फिर ये होता है सब पर, सब लोग जो है जितने भी लोग हैं सब लोग क्या करते हैं, सब लोग यानी कि जितने भी घर में, मम्मी हो गई, पापा हो गए, ठीक है, भैया हो गए, ठीक है, कौन कौन? मम्मी पापा, अब यहां मैंने लिख दिया भैया, मम्मी पापा भैया, या फिर दीदी, या जो भी आपके घर में बड़ी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि भैया दीदी। कुछ कहेंगे सर आपने दादा दादी नहीं लिखा, सर उसे भी लिख दीजिए, लो भाई ये दादा और ये दादी। और भाई अब ये मत बोलना सर हमारे तो चाचा भी नहीं लिखा आपने, तो भाई सब लोगों का मैं नहीं लिख रहा भाई, कुछ कुछ समझाने के लिए मैंने लिख दिया, बाकी आपके घर में कौन कौन है मुझे थोड़ी पता है, ठीक है। तो ये मत बोलना सर इसको लिखा आपने उसको नहीं लिखा, चलो अब मैं मिटा देता हूँ, समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, 1 मिनट। हाँ तो इसमें बोला जा रहा है हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए, जो चाहे वो हमें क्या करते हैं डांट लगा देते हैं, हमें किस बात की डांट लगा देते हैं कि भाई यहां मत खेलो वहां मत खेलो। तो ये जो बेटा कविता थी, इस कविता में क्या बात की जा रही थी आप लोगों से? कविता में आप लोगों की बात की जा रही थी छोटे बच्चों की, कि भाई सबसे पहले क्या बात की जा रही थी, शुरू से देख ले। तो ये कविता इतनी सी थी, छोटी सी कविता, अभी प्रश्न उत्तर करेंगे लेकिन पहले एक बार और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई थी सूरज की, किसकी बात की गई थी कि सूरज की बात, 1 मिनट। सबसे पहले किसकी बात की गई थी? सूरज की बात की गई थी कि सूरज को तो कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है, वो क्या करता है धूप फैला देता है। चांद को भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों? चांद जो क्या फैलाता है, चांदनी फैलाता है, उसको नहीं बोलता कोई कि अपनी चांदनी उठा के ले जाओ, कोई भी नहीं बोलता, लेकिन छोटे बच्चे सब बोलते हैं। फिर उसके बाद बात की गई कि जो हवा है, हवा से भी कोई नहीं कहता कि भाई अपनी हवा जो है घर के अंदर मत लाना, खबरदार अगर हवा को बोल, कोई नहीं बोलता कि अंदर आ जाते हो। और तो और बादल से भी कोई कुछ नहीं कहता कि भाई ये जो बारिश फैलाते ना जलधार, जलधार का मतलब यहाँ क्या है, बारिश की बात की जा रही है कि जल की धारा, जलधारा का मतलब क्या है, जल की धारा यानी कि बारिश। तो ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये बच्चा दुखी हो गया, लगता है इसे डांट पड़ी होगी। और ये बच्चा कह रहा है यार पता नहीं क्या हो रखा है, सब बड़े लोगों को हम ही लोगों को कहते हैं सबके सब, कोई ना सूरज को कहता ना चांद को कहता ना हवा को कहता ना ही बादल को कहता, ये लोग भी तो बदमाशी करते हैं है ना, लेकिन सब लोग क्या क्या हो रहा है। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है और भैया जो है आपके यानी कि घर में जो बड़े भैया है वो क्या करते हैं, कोई बड़े भैया जो है वो भी आप ही को डांट लगाते हैं, मम्मी भी डांट लगा देती है, कभी कभी पापा भी डांट लगा देते हैं, बोलते हैं बाहर खेलो अंदर मत आओ खबरदार। यानी कि कहने का मतलब ये है सब लोग जो है सबका बस किस पे चलता है, हम पर ही चलता है, किस पे चलता है, हम पर ही सबका बस चलता है, यानी कि सब लोगों का बस यानी कि मनमर्जी किस पे चलाते हैं, हम पे चलाते हैं, यानी छोटे बच्चे पे चलाते हैं भाई। तो ये थी कविता जिसमें आप लोगों की बात की गई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिसपे उनके जो बड़े भैया दीदी हैं मनमर्जी चलाते, कहते हैं ये करो वो करो, ये ऐसा करो वैसा करो, कितनों के भैया दीदी ऐसा बोलते हैं मुझे जरा बताना कमेंट करके, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को, ठीक है बेटा, चलो देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या है इस कविता के अंदर, ठीक है। चलो ये बच्चा देखो, ये इस बच्चे की बात की जा रही थी जिसने खिलौने फैला रखे हैं, आप लोग भी खेलते खेलते ऐसे खिलौने फैला देते हो ना, उसी की बात की जा रही है इसके अंदर कविता के अंदर, ठीक है। चलो देख लिया, चाहो तो ड्राइंग बना सकते हो लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से देखो भाई पहला प्रश्न क्या है। तो भैया पहला प्रश्न है आपके लिए यानी कि प्रश्न संख्या प्रथम यानी कि पहले की बात की जा रही है, ये है आपका प्रश्न संख्या पहला। और इसमें बोला जा रहा है अगर, अच्छा कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि रेड कलर नहीं ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है, आंसर ब्लू कलर में लिखने में ठीक रहता है। रुको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो भाई, ठीक है, अब सही लगेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपके लिए, जिस पहले मिटा देता हूँ जो लिखा मैंने, ये देखो बेटा मैंने प्रश्न ये थोड़ा हिंदी नीले रंग में लिखता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए दिखाई दे जाए। तो प्रश्न एक है आपके लिए ये, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें, क्या करने के लिए बोले कि भाई जो कविता का जो नाम है नाम बदल दो,
तो क्या नाम रखोगे, तो ये पूछा जा रहा है आपसे, तो तुम इसे क्या नाम दोगे, इस कविता को क्या नाम दोगे। सब लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे कविता का नाम क्या है पहले, तो पहले तो भाई कविता का नाम देख लो, अगर भूल गए हो तो। कविता का नाम है हम हमसे सब कहते हैं। क्या नाम है कविता का? हमसे सब कहते हैं। और होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कविता का नाम हमसे सब क्यों कहते हैं। क्या रख देते हैं कविता का नया नया नाम रख देते हैं हम लोग कि हमसे सब क्यों कहते। क्या नाम रख रहा हूं? नया नाम आपसे बोला जा रहा है, नया नाम रखो इसका। तो लो भाई मैं इसका नया नाम रख दे रहा हूं। अब क्या नाम रख रहा हूं मैं इसका? मैं इसका नाम रख रहा हूं हमसे सब क्यों कहते थे। ये प्रश्न लिखोगे, उसके बाद ऐसे लिखोगे उत्तर, ठीक है। और उत्तर कुछ इस तरह लिखोगे, हम से नहीं दिख रहा, चलो दोबारा लिखते हैं, अगर नहीं दिख रहा तो ठीक है। अब देखना, अब थोड़ा सा दिखेगा, अब लाइन के नीचे लिख देता हूं। तो क्या लिखोगे? हमसे, ठीक है, हमसे सब क्यों कहते। मैंने क्या लगा दिया यहां पे, हमसे सब क्यों कहते। अब जो क्यों लिखा है बेटा, क्यों में आधा क्या है ये, और यहां बिंदी आती है मात्रा के बाद, ठीक है। हमसे सब क्यों कहते, ठीक है, हमसे सब क्यों कहते। तो भाई मैंने ये रख दिया कविता का नाम। कविता का नाम क्या था? हमसे सब कहते। और मैंने क्या नाम रख दिया इस कविता का? हमसे सब क्यों कहते, ठीक है। चलो अब उसके बाद, ये तो पहला प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बात की जा रही है? तो दूसरे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, ये मिटा देता हूं, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, ये मैंने मिटा, एक मिनट। दूसरे प्रश्न में ये लिखा जा रहा है, करो मत करो, ठीक है। ये है ना, इसमें ये पहले पढ़ते हैं प्रश्न में क्या लिखा जा रहा है, फिर इसका हम उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये जो बॉक्स बना हुआ है ऐसे ही बॉक्स बनाना है और इसका आंसर लिखना है भाई, ठीक है। तो ये लिखा मैंने प्रश्न संख्या दो, ये क्या है? प्रश्न संख्या दो, वो पहला था और ये भैया दूसरा हो गया, ठीक है। क्या प्रश्न है? पाठशाला यानी कि विद्यालय यानी कि स्कूल की बात की जा रही है। पाठशाला में और हम, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने को, करने के लिए कहा जाता है? क्या क्या करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है। यानी कि स्कूल में, पाठशाला का मतलब स्कूल विद्यालय की बात की जा रही है, घर का मतलब तो समझ ही रहे होगे कि स्कूल पाठशाला विद्यालय सब एक ही नाम है बेटा, ठीक है। तो क्या क्या आपको करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है, उसके बारे में लिखना है। जैसे क्या बोलते हैं मम्मी पापा या टीचर, यानी कि हम लोग भी बोल देते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं कि बड़ों, क्या बोल देते हैं कि भी बड़ों का कहना मानो, क्या कहते हैं? बड़ों का कहना मानो, सबसे पहले क्या बोलते हैं? बड़ों का कहना मानो बोलते हैं ना, मैं भी बोलता हूं, मम्मी पापा भी बोलते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं कि बड़ों का कहना मानो। और क्या मत करो? बोलते हैं गंदगी मत फैलाया करो, क्या बोलते हैं कि भाई गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ, ठीक है, गंदगी मत फैलाओ। एक मिनट इसको ठीक करता हूं मैं, एक मिनट, ठीक है, क्या गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। क्या बोलते हैं बड़े लोग कि गंदगी मत फैलाओ। और क्या बोला जाता है आपको कि भी, और बोला जाता है खाना चबा के खाओ, ये भी बोलते हैं ना, आराम से खाओ, ये दौड़ भाग के नहीं, खाना चबा करके खाओ, बोलते रहते हैं ना, खाना चबा चबा के खाओ, क्या बोलते हैं? खाना चबा के खाओ या फिर खाना चबा चबा कर खाओ, ऐसे बोलते हैं ना बड़े लोग, मैं भी तो बोलता हूं लंच टाइम में। अच्छा, और क्या बोलते हैं? क्या मत करो? बोलते लड़ाई मत किया करो भाई, बस अच्छे बच्चे तो, पर लड़ाई मत करो, क्या बोलते हैं? लड़ाई मत करो, कौन बोलते हैं? बड़े लोग बोलते हैं। इसके अलावा एक बात और लिखनी है, ये तो पहली बात थी, ये दूसरी, अब तीसरी बात तुम लोग बताओ भाई क्या लिख सकते हो। तो तीसरा मैं छोड़ देता हूं एक लिखने के लिए, कि आप लोग ये बताओ कि आपके मम्मी पापा या फिर आपके टीचर यानी कि मैं, ऐसी कौन सी बात आप लोगों को बोलता हूं कि ये करो, वो वाले बात यहां लिखनी है, और कौन सी बात बोलता हूं कि मत करो, वो यहां लिखना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा काम मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो इसे लिख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब आगे प्रश्न क्या है हमारा।
तो आगे ये मैंने मिटा दिया बेटा ताकि मुझे आगे का दिखा सकूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे आपसे ये बोला जा रहा है कि भी थोड़ी सी बातचीत करने के लिए बोल रहा है। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। सूरज क्या करता है? चांद की रोशनी भगा देता है। हाँ भाई, चांद की रोशनी कैसे भगाता है? जब दिन निकल आता है, जब सूरज आता है तो बहुत सारी रोशनी कर देता है, तो रात से क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। तो वो क्या करता है? चांद की रोशनी को भगा देता है। भाई कौन? सूरज। अच्छा, आगे आप लोगों से बोला जा रहा है, उसके बाद देखो बोला जा रहा है कि भी बादल, कौन बादल? सूरज की रोशनी को भगा देता है। जब काले बादल आते हैं, कैसे बादल आते हैं? ऐसे ऐसे काले बादल जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? अगर मान लो सूरज है, सूरज छिप जाता है बादल के पीछे, यानी कि सूरज की रोशनी कौन भगा? चांद। तो चांद की रोशनी सूरज भगा देता है भाई, ये सूरज। और जो सूरज की रोशनी है उसे कौन भगा देता है? बादल। किसकी रोशनी? सूरज की रोशनी भगा देता है। और जब बादल की बात हुई, अब तुम्हें बताना भाई, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि भी हवा बादल को भगा देती है। जब हवा चलती है तो हवा से क्या होता है कि जो बादल ऐसे हुए हैं, बादल टूट फूट के अलग अलग भाग जाते हैं यहां से वहां, तो हवा क्या करती है? बादल को भगा देती है। तो बताओ कौन तो आप लोगों को बताना, मैं नहीं बताऊंगा, कि बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर सूरज किससे ज्यादा ताकतवर है? सूरज ताकतवर है किससे? सूरज ज्यादा ताकतवर है किससे? चांद से। एक मिनट थोड़ा ठीक करता हूँ इसको। सो यहाँ पे लिख सकते हो सूरज किससे ज्यादा ताकतवर है? चांद से। यानी कि पहले नंबर पे लिख, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? सूरज किससे ज्यादा ताकतवर है? चांद। सूरज चांद से, ऐसे लिखोगे, सूरज चांद से। किससे ताकतवर है? चांद से। और चांद सूरज के बाद कौन है? बादल। बादल किससे ज्यादा ताकतवर है? तो लिखोगे बादल, बादल सूरज से। ठीक है, बादल किससे ताकतवर है? सूरज से। और भाई बादल के बाद कौन है? बादल के को बादल से भी कौन ज्यादा ताकतवर है? हवा। तो लिखोगे हवा किससे ज्यादा ताकतवर है? हवा, हवा बादल से ताकतवर है। हवा बादल से क्या है? ताकतवर। ठीक है, क्या लिखोगे? ताकतवर है। ठीक है, तो इस तरह इसका उत्तर लिखना है। तो बेटा ये है आपका प्रश्न, क्या हो गया? 3 हो गया, प्रश्न संख्या 3 हो गया। वो पहला था, दूसरा किया, अब ये तीसरा है। तो लिखोगे सूरज चांद से, सूरज किससे? चांद से। और बादल सूरज से, हवा बादल से, ताकतवर है। क्या है? ताकतवर है। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो ज्यादा ताकतवर भी लिख सकते हो। ताकतवर है, या फिर लिख सकते हो ज्यादा ताकतवर है। कहां पे पता लगा हमें? प्रश्न से ही पता लग गया भाई, ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो। तो बेटा ये था आपका प्रश्न संख्या 3। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लो। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको मिटा देता हूं भाई, ताकि मैं अगले प्रश्न को समझा सकूं। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 प्रश्न और करेंगे, फिर खत्म कर देते हैं, फिर बाकी जो है वो बाद में देखते हैं। चलो इसको देखो। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये प्रश्न 4 हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ 4, ये 5 और ये 6। तो मम्मी पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। बस चलने का मतलब है मन मर्जी चलती है। तुम्हारा किन पिन पर बस चलता है? भाई अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, तो तुम्हारा बस भी उसी के ऊपर चलेगा। किसके ऊपर? छोटे भाई बहन पर। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन टोकता रहता है, यानी कि बोलता रहता है? भाई टोकने वाली बात है तो भाई मम्मी टोकती होगी। गंदगी मत फैलाओ, लड़ाई मत करो, मम्मी को। और कौन हो सकता है? पापा हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे दादाजी बहुत टोकते रहते हैं मुझे। कौन? दादाजी। कुछ कहेंगे नहीं सर, दादा हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी दादी हमें बहुत डांट लगाती है। कौन? दादी जी हमारी बहुत डांट लगाती है। तो दादी जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो छठे का प्रश्न, इसके 5वें प्रश्न का उत्तर। और छठे में आपसे बोला जा रहा है किन किन बातों पर अक्सर टोका जाता है। किन बातों पर? बोलते हैं कि खिलौना मत फैलाओ, ठीक है, लड़ाई मत करो, और किस किस बात? जैसे भैया है, किस बात पे टोकते हैं? कि बोले पापा क्या बोलते हैं? बाहर खेलो। क्या बोल देते हैं? बाहर खेलने के लिए क्या बोला जाता है? बाहर खेलो, इस बात पे टोकते हैं। अच्छा, और किस बात पे टोकते हैं? पढ़ाई करो। हाँ भाई, ये तो सबके घर में बोला जाता होगा
कि पढ़ाई करो इस बात पे भी टोका जाता होगा, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हो, बाहर खेलो पढ़ाई करो इस बात पे टोका जाता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते हो भाई, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आंसर लिखना है इसका, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है। तो बेटा आगे जो है इसके बाद, यानी कि पांचवा छठा तीन कर ले, चौथा पांचवा छठा ये हमने प्रश्न कर लिया। तो सातवां प्रश्न देखो उसमें क्या है, उसमें है भाई ये है, और इसके अंदर बोला जा रहा है भाई, ध्यान से समझ लो, करना खुद है, मैं नहीं करवाऊंगा भाई इसे। इसमें क्या करना है, क से जानवर के नाम लिखना है, ल से यानी कि इस वाले में क्या करना है, जानवरों के नाम लिखना है इस वाले में, ठीक है। इस वाले में जानवरों के नाम लिखना है, ठीक है, जैसे लिखा ना यहाँ जानवरों के नाम, और इस वाले में खाने पीने का चीजों के नाम लिखने हैं। इसमें इसमें क्या करना है, खाने पीने की चीजों के नाम लिखना, और इसमें खेलने के समान या खेल खेल का जो समान होता है उसका नाम लिखना, और अक्षर कौन सा, क का इस्तेमाल करना इस लाइन में, और इस लाइन में जो लिखोगे म वाले शब्दों का इस्तेमाल करोगे इसके अंदर, और इसके अंदर क वाले शब्दों का इस्तेमाल करोगे। थोड़ा अजीब लग रहा हो पर कर लोगे। इसमें ल वाले, ल से क्या खाते हो तुम लोग, कुछ खाने की चीज बताओ, लड्डू। ल से कौन सा खेल, कोई जानवर का नाम है, कोई जानवर का नाम बताओ भाई ल से, तो ये लिखना है भाई। और इसी तरह प से किसी जानवर का नाम, और यहाँ पे प से खाने का चीज का नाम और खेलने का चीज का नाम, फिर ग से, फिर श से, तो इस तरह से आपको ये काम पूरा करना है भाई। ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, और प्रश्न संख्या कौन सा है, ये हमने छह कर लिए थे, ये सातवां प्रश्न है, ठीक है। कौन सा है, सातवां प्रश्न है, जिसके अंदर क्या करना है कि भाई जानवरों के नाम लिखने हैं, खाने पीने की चीजों के नाम लिखने हैं, और खेलने की चीजों के नाम लिखने हैं, ठीक है बेटा। तो ये काम इसमें करना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या है भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और भी है, ये दो प्रश्न है। इसमें क्या करना है, जानवर या पक्षी के नाम लिखना है, इसमें खाने पीने की चीज के नाम लिखना है, और खेलने की चीजों के नाम लिखना है, जो आपने वहां लिखे थे उसी को लिखना है। लेकिन लिखते टाइम क्या करना है, इसे वर्णमाला यानी क ख ग घ जो पहले आता है उसके हिसाब से करना है। इसके अंदर क्या करना है, वर्णमाला के हिसाब से लगाना, ये लिखा है ना, वर्णमाला के हिसाब से, यानी कि जो पिछला प्रश्न किया था उसी का उत्तर दोबारा लिख देना है, लेकिन वर्णमाला के हिसाब से कौन सा पहले आता है वो लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रश्न रह जाएगा इस वाले इसका, जिसमें ये बोला जा रहा है क्या, पहले पढ़ लेते हैं भाई, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई क्या बोला जा रहा है। तो इसमें आप लोगों से बोला जा रहा है, हमसे सब कहते हैं कविता में जिन चीजों के, चीजों लोगों और जगहों के बारे में आए उन्हीं के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो लोग, जैसे मैं दो बता देता हूँ भाई कैसे क्या क्या आया था। तो लोगों की बात करें तो भाई कौन कौन आया था, सूरज आया था सबसे पहले, सूरज। सूरज के बाद कौन आया था, चांद आया था। चांद के बाद कौन कौन आया था, चांद के बाद आए थे बादल। बादल लोग तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल दे रहा हूँ कि बादल नाम रख देते, किसी का नाम भी बादल होता है, बादल आया था। अब बादल के बाद कौन आया था, बादल के बाद भाई हवा के बारे में बात की गई थी, और हवा के बाद मम्मी पापा के बारे में, मम्मी को क्या बोला गया था, अम्मा बोला गया था, चाहो आप मम्मी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पापा भी आए थे, पापा के अलावा भैया भी आए थे भाई इस कविता के अंदर, तो आप ये लिख सकते हो। और चीज के बारे में, सूरज क्या करता है, रोशनी करता है, धूप के बारे में बात की जा रही है, किस चीज के बारे में, एक मिनट, यहाँ धूप के बारे में बात की जा रही थी, चांद चांदनी के बारे में, ये बादल के बारे में, हवा आंधी तूफान के बारे में, मम्मी क्या बोल रही थी, भाई बाहर खेलो गंदगी मत फैलाओ, और जगह के बारे में, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही है भाई इस कविता के अंदर, इतने प्रश्न थे, ये खुद से करना है, अब ये कर लेना आप, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही करना था, इस पूरी कविता में यही थी, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली कविता में, अगले पार्ट में, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, और अपने जितने भी फ्रेंड है सबके साथ इसे शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। चलो बाय।